गिरदावरी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारे बाई इलेक्शन का हिसार में लगा हुआ था और उसके साथ पंचायती राज का पूरे प्रदेश में लगा हुआ था, उस कारण थोड़ा सा डिले हुआ। जैसे ही वो रिपोर्ट्स आएगी उसका मुआवजा भी भेज दिया जाएगा। उसके साथ साथ माननीय सदस्य जो पिछली रबी 2022 की बात कर रहे थे उसके अंदर हरियाणा में 109 करोड़ का रुपया ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया, जिसके अंदर मेवात में 32.26 करोड़ रुपया फसल खराबे का ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया है जो आपकी ट्रेजरी में आ चुका है। दूसरी चीज जहां माननीय सदस्य ने बात कही है कि फसल खराबा आज भी है, पानी खड़ा है, दूसरी फसल की बुआई नहीं हो रही। पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर 6,000 रुपया जहाँ बुआई नहीं होती थी वहाँ मिलता था, उसको अब हमने पीछे बढ़ाया क्योंकि 12,000 को अब हमने 15,000 प्रति एकड़ कर दिया गया 100% डैमेज का, तो अब उसको भी बदल कर हमने 7,500 करोड़ रुपया हरियाणा प्रदेश के 7,500 रुपया प्रति एकड़ हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिले। अब ये निर्णय लिया गया है आपके मेवात के अंदर क्षतिपूर्ति के अंदर लगभग 3,667 किसानों ने अपनी फसल खराबे का या बुआई ना या पानी खड़े होने का अपलोड किया, जिसके अंदर 16,007 एकड़ एरिया है जो कि आज नॉन सोन या डैमेज्ड है, उसकी वेरिफिकेशन चल रही है। जैसे ही इन फार्मर्स का भी मेरी फसल मेरा ब्यौरा के ऊपर डाटा वेरीफाई हो जाएगा, इनको भी तुरंत उसका मुआवजा हरियाणा सरकार देगी। जहाँ बात माननीय सदस्य कह रहे हैं कि 32 आपने दे तो दिया, वो किसान को कब मिलेगा? मैं माननीय सदस्य इस हाउस में पहले भी रहे हैं आज भी रहे हैं, आज के दिन पैसा खाते में डालने के लिए खाता वेरीफाई कराना फार्मर को पड़ेगा, और उसके अंदर मैं आपसे भी आग्रह करूंगा और अब इस सदन के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक किसान से भी आग्रह करूंगा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा के अंदर आप अपनी एरिया की वेरिफिकेशन को ट्रेजरी से वेरीफाई जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि मुआवजा पड़ा रहता है। एक खेवट के अंदर 4 हिस्सेदार 5 हिस्सेदार 10 हिस्सेदार है, पैसा उस पूरी खेवट का आएगा, मगर जब डिवीजन होगी तो प्रत्येक हिस्सेदार के नाम पे होगी और उस कारण डिले होता है। बहुत सा आज के दिन भी ऐसा पैसा है जो ट्रेजरी में हरियाणा सरकार ने भेजा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट्स में, ब्लॉक्स में, सब डिविजन में पड़ा है, मगर 8-8, 9-9 सालों से उसका क्लेमेंट कोई नहीं आया जिनके अकाउंट्स वेरीफाई होकर उसके अंदर पैसा ट्रांसफर हो जाए। तो मैं तो विधायकों से भी आग्रह करूँगा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सब डिवीजन लेवल पर इसको जरूर मॉनिटर कराकर जो उचित किसान जिसकी फसल को नुकसान हुआ उसके खाते में पैसा जरूर भिजवाने का काम करें।